क्लियर करते हैं, वाजिया करते हैं आप सबके सामने, और मुझे रियल लाइफ में भी हीरोइन बनकर जिंदगी गुजारने की आदत सी पड़ गई है, मजबूर। आदत सी पड़ गई इंसानियत, और मैंने मुहैया आकाश से ज्यादा लाखों झूठ मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि झूठ मैंने बोलती चंद हजार रुपए लोगों से मैंने उनको रिक्वेस्ट की, किसी से 1,000 रुपया, किसी ने 2,000 रुपये दिए, किसी ने 3,000, मलिक साहब ने 3,000 रुपये, दानियाल उन्होंने घर का राशन भिजवा दिया कोरोना COVID-19 के दिनों में, फिर और कुछ मैडम ने भी थोड़े से पैसे दिए, और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त 1,000, 2,000, किसी ने 3,000, लाख रुपए की बात नहीं कर रहे, उनके हाथ में दिए। और जब मैंने अपील की, मैंने रिक्वेस्ट की, और मैं सबके लिए, मुझे कोई भी तकलीफ में मैं देखती हूँ तो आदत से मजबूर हूँ, हेवन हूँ, रियल लाइफ में भी आदत से मजबूर हूँ, तो इंसानियत के साथ खड़े होने का जज्बा मेरे खून में है। तो मैं कि मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया कि मैंने छोटे मोटे स्कैंडल्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंडिया गई, बहुत सारे स्कैंडल्स बने, मुझे कोई फर्क, मेरे किरदारों को चैलेंज किया गया, और मैं घर में भी किरदार ही, मैं घर में भी अपने किरदार में ही रहती हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि सच्चाई को, मैं ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तो मैं और मुझे पढ़ने मन पढ़ा दिया मतलब कि मुझ पर इल्जाम है कि मैंने फंड रेजिंग की, मुझे बहुत दुख है इस बात, किसी को सामने रखकर 4 बजे किसके लिए है, मैंने फंड रेजिंग की, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, सॉरी ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, दर्ज है क्या पे, दर्ज है, ये मेरे अकाउंट्स की, ये मैं आपके सामने, आपने अपने आप में पकड़ के मूव कर रहे हैं, मेरा पूरी अब उसका दोबारा ओके ओके, तो कसर ऐड हो ये ना, हां जी हां जी, हम तो कुछ करो, ये मेरे अकाउंट्स की प्लीज गाइड मदर फाउंडेशन जिंदाबाद या सी डी एस मुर्दाबाद गाइड, मेरी ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने आवाम की अदालत में और आपकी अदालत में, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, मेरे बैंकर, मेरे अकाउंटेंट, और जो हमारे बैंक मैनेजर हैं उनका नंबर, ब्रांच का नंबर, और बैंक डिटेल्स मैं आवाम की अदालत के सामने आपके सामने पेश करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट, एक सेकेंड सर, तो सब खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी बात को कवर कर लूं, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इजाजत देंगे तो, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो, ठीक है, इजाजत देने की आदत कैसी कैसी। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि मेरा आज इसलिए बात है कि मैं इस वक्त, ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ एक बात सुन, सिर्फ एक बात के लिए मैं आई हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बाद, ये ट्रबल की नहीं वाइंडर की लाइन है, फिल्म की आखिरी रील चल रही है, फिल्म शुरू हुई थी ना, जैसे 3 महीने की पिक्चर खत्म हो जाती है, मेरी सांसें भी चल रही है, रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं, और अभी उसका वाइंडर नहीं हुआ, अभी ट्रबल पर है, इंटरवल से थोड़ा से पहले, ठीक है, और अभी जो हमारी स्पीच शुरू हुई थी, तो अभी थोड़ा सा अभी वाइंडर के कुछ डायलॉग्स हैं जो फाइनल
पेपर थोड़ा फेस से नीचे रखें, आपका फेस आए साथ। फिल्म के आखिरी लम्हे हैं, फिल्म की आखिरी रील है, फिल्म का अच्छा मैं आपको ये बयान करूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कहने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जो एग्ज़ाम लगाया स्पेशली मुझे अमेरिका कनाडा पूरी दुनिया से लोगों ने फ्रांस इटली जहाँ जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं इंडिया वो मुझे जानते हैं पहचानते हैं। मैंने इंटरनेशनली मैंने बहुत सारे किरदार किए काम किया और काम कर रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ आज आपके सामने और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। अच्छा मेरा ये चैलेंज ये एक्सेप्ट करें ये जो बैंक स्टेटमेंट है क्या आपने एफआईआर एफबीआई को प्रोवाइड किया है या प्रोवाइड कर दीजिएगा। हां आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्रोवाइड कर दीजिएगा सुन लीजिए। मैं ये चैलेंज करती हूं कि मैं आपके सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट पेश करती हूं कि जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं वो अमेरिका कनाडा फ्रांस इटली लंदन दुबई जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त और जो इस वक्त रियल लाइफ हीरोइन मीरा जी को सुन रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर टेलीविजन की स्क्रीन पर जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं मैं आप सब लोगों से अपील करती हूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने से पहले किसी की तस्लील करने से पहले मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूं और मीडिया के मैं चैलेंज करती हूं चलिए कोई भी शख्स कोई बात नहीं हंसने कोई प्रॉब्लम नहीं हेडलाइंस में ठीक है कोई भी बाकी को पता नहीं। हाँ मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी शख्स अगर ये साबित करते हैं कि किसी भी अंदाज से पहली जनवरी 2020 से लेकर आज तक कोई बैंक ट्रांजैक्शन ऐलानिया करें कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी हवाले से ये साबित कर दें कि मैंने कोई पैसे फंड रेजिंग की है या पैसे लिए हैं और फंड और मैंने उनको सामने रखकर कुछ फंड रेजिंग की है या कुछ पैसे लिए वेस्टर्न यूनियन है बैंक ट्रांजैक्शंस हैं या और बहुत सारे किसी भी तरीके से आप साबित करें ना साबित मुझे प्रूफ चाहिए आप मुझे पैसे दीजिए। कोई आमिर है अमेरिका में कोई खलील है कोई हुरम है पता नहीं कौन कौन मुझे नहीं पता आप साबित करें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। दीज आर माई बैंक अमेरिका में जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं मैं बहुत से लफ्जों में बहुत सारी कॉल्स आई हैं अमेरिका से कनाडा से इटली से फ्रांस से दुबई से मेरे तमाम दोस्त सर मैं माफी चाहती हूँ आप हौसला रखें मैं माफी चाहती हूँ आप मेरी रहनुमाई फरमा रहे हैं शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला आप मुझे सुन रहे हैं आपके शुक्रगुजार हूँ दिल से मशहूर हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं आपको मुझे मौका दिया बोलने का और उसके बाद पाकिस्तान में मैं ये अपील करती हूँ कि अगर कोई रुपया मैंने वसूल किया है मैं पाकिस्तान की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मैं सरे आम अगर मैंने कदम साबित कर देगा कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंडरेजिंग किए या मैंने पैसे लिए मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूँ मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं आज मैं रियल हीरोइन रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। मैडम फांसी हराम है मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए या खुलेआम तो मैं सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इल्जाम लगाने से पहले बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा कदम उठाना चाहिए कि सबसे पहले
क्लैरिटी होनी चाहिए, वो साबित और अपने जातीय साथ कितने वो भी शो करते कि मेरे ये प्रॉपर्टी जाती है और ये मैं फलाई इदारे चला रही हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ठीक कहा कि मैं वेबसाइट में अनाउंस करूंगा ऑनलाइन हर चीज। ये आपका मशवरा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मशवरा दिया। तो फांसी वाली बात वापस ले लें, मुझे बताइए बात मैंने पहले की सच्चाई भी है, हमें रोशनी है, हमें झूठ नहीं है, क्या सजा आवाम चले। मैंने आवाम की अदालत में पेश कर दिया जो आज होती है तो हो जाए, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता बिकॉज मैं हमेशा मौलानी को पुकारती हूँ मदद और मुझे किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह से डर लगता है। मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहूंगी कि मैं ये अल्फाज वापस रखती हूँ लेकिन मेरे सिर्फ सच्चाई का मेरा आप मुकर्रर करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की हेल्प की और फिल्म इंडस्ट्री में आप अच्छा काम करती आ रही है। अब सवाल सुनिए, आपकी बात मुकम्मल होगी कैसे? मुकम्मल हो गई होगी, होगी थोड़ी सी जी जी कह रही हूं ना, आप पर्ची कीजिए। अच्छा, अब आपने बड़ा अच्छा काम किया, अब आपके जमान बड़े संगीन लगे हैं। आपका एक दुबई में मिला था जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके है नहीं है था नहीं है, आपने अपने नाम करवा लिया जी, वो पहले से ही मेरे नाम था। आपकी लीज मुकम्मल हो गई है वहां पर? नहीं जी, मैं बैंक का जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स है वो मैं पे कर रही हूं। मैंने आपको वाज़ह लफ्ज़ों में पहले भी बताया था, मेरा इल्ज़ाम ये है कि वो बिना आपने जो तीन चार माह आपको डोनेशन आते रहे हैं आपने वो पे करके उस बिला को अपने नाम पे करवाया, ये भी जरा थोड़े नहीं गुरु आप। मैं आपको यहाँ साथ अचार बेचने के लिए नहीं आई, मैंने आपको ये बताया जो बैंक का अकाउंट है वो भी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख दे रही हूँ। कौन सी इजाजत बताए थे ये देखिए जी, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा जिन लोगों ने ये झूठे इल्जाम लगा के एक हाइप लेने की कोशिश की है वो मेरे नंबर पर कॉल करें कि ताकि मैं उनको ये उनके साथ बैठ के सच्चाई बयान ना कर सकूं। ये इस नंबर पे कॉल आ रही है, नंबर शो करें, नंबर और नाम शो कर दें। मैं सबको मौका देना चाहती हूँ कि आइए मेरा एहतसाब शुरू करें और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान के शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए। और मैं अपने साथ को एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसी के सामने आज सरे आम पेश करती हूँ। मैंने अपना बयान दे दिया, अब आप कुछ बोलेंगे आसिम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप उनको कहने दे आपके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को हैदराबाद में फंक्शन करना था और आप उस बंदे के कपड़े और पैसे लेकर चली गई है, ये जरा कंफर्म कर दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट कराची जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी मैं और बिल्कुल मैंने एडवांस लिया है और जो पूरा एक महीने का जो हैदराबाद से जो आए थे और बिल्कुल जी मैंने 1 लाख रुपये एडवांस लिया और 40,000 और इंशाल्लाह हैदराबाद में हम परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है और हम एक अच्छा शो करना चाहते हैं। अमेरिका में 7 शोज कैंसिल हुए जो कि $70,000 के 7 शोज थे जहां मुझे परफॉर्म करना था और हैदराबाद का शो कैंसिल हुआ है।
मेरी सबसे अंडरस्टैंडिंग है और इंशाल्लाह हम हैदराबाद में बहुत शानदार शो करेंगे।